हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लिस्ट का लॉजिकल क्वेश्चन देखेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस क्वेश्चन को आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द लिस्ट एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, और साथ साथ में ये मेंशन है डू नॉट यूज द अनदर लिस्ट। इसका क्या मतलब है? पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं और उसमें लिखा हुआ है डू नॉट यूज अनदर लिस्ट, वो क्यों लिखा हुआ है उसको हम समझेंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक लिस्ट है, उस लिस्ट में यूजर वैल्यूज डालेगा क्योंकि वैल्यूज गिवन नहीं है, और हमें क्या करना है, उस लिस्ट को रिवर्स करना है। हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है इनबिल्ट हम फंक्शन यूज करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट में समझाऊंगा। कुछ भी नहीं करना, सिंपल और सिंपल गिनती की दो स्टेटमेंट्स लिखनी है, दो लाइंस लिखनी है और काम हो गया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का आ सकता है, तो वहां पर आपको पूरा कोड लिखना है। कोड कैसे लिखेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से बेसिकली हमें करना क्या है। एग्जाम्पल से समझाने के लिए ये मैंने यहां पर एलिमेंट्स ले लिए 7। कितने एलिमेंट्स ले लिए? 7, दैट इज A0 से लेकर A6 तक। इसमें मैंने वैल्यू ले ली 5, 10, 40, 50, 70, 80, 90, ये मैंने वैल्यूज ले ली। अब इसमें करना क्या है, इसको पहले मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, फिर हम कोडिंग पार्ट पर आएंगे। तो क्या करा मैंने, नीचे ये एज इट इज जो ऊपर डायग्राम में वैल्यूज लिखी है वही नीचे लिख दी लिस्ट की। फर्स्ट एलिमेंट है A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 हो गया। अब हमें क्या करना, रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब जो एलिमेंट A0 पे है वो A6 पे चला जाए, मतलब कि लिस्ट को हमें रिवर्स करना है। तो इससे लिस्ट को रिवर्स करने के बाद क्या आना चाहिए, लिस्ट को रिवर्स करने के बाद आना चाहिए 90, 80, 70, 50, 40, 10, 5। तो हम क्या करेंगे, मैं डायग्राम से समझा रहा हूं। इसमें मैंने क्या करा, सबसे फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 5 और सबसे लास्ट एलिमेंट वो कौन सा हमारा 90, इनको हम इंटरचेंज कर देंगे कुछ ऐसे, ये यहां चला गया और ये यहां आ गया। फिर हम इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट वाले एलिमेंट को किसके साथ, सेकेंड लास्ट एलिमेंट के साथ, कुछ ऐसे, ये यहां चला गया और ये सेकेंड पोजिशन पर आ गया। अब फिर क्या करेंगे, थर्ड वाले को थर्ड लास्ट से, कुछ ऐसे ही यहां चला गया और ये हमारा यहां आ गया। अब ध्यान देना, जो सेंटर पे एलिमेंट है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसको हम एज इट इज रखेंगे। तो बेसिकली हमें करना ये है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है डू नॉट यूज अनदर लिस्ट, हमें अनदर लिस्ट यूज नहीं करनी। स्टूडेंट क्या करता है, एक अलग से लिस्ट बनाता है और जो लिस्ट गिवन है, जैसे ये ए गिवन है, क्या करेगा, लूप को पीछे से चलाएगा और नेक्स्ट लिस्ट बी में डालता रहेगा और उसके बाद बी को प्रिंट कर देगा। दैट इज वेरी सिंपल। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि आपने अलग से कोई भी लिस्ट का यूज नहीं करना, मतलब आपने बी नाम की लिस्ट नहीं लेनी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे कोडिंग वाइज। दोस्तों, इसकी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब आएंगे हम कोडिंग वाइज। कोड मैं लिखूंगा सबसे फर्स्ट स्टेप का, हम देखेंगे अब कोड ऑफ स्टेप 1। सबसे फर्स्ट स्टेप का कोड हम समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा था, A6 की वैल्यू किसको दी थी, A0 को, और A0 की वैल्यू A6 में। तो क्या लिखा, C इज इक्वल टू A6, ये आ गया C इज इक्वल टू A6। फिर क्या लिखा, A6 इज इक्वल टू A0 और उसके बाद A0 इज इक्वल टू A6। इससे क्या होगा, A0 की वैल्यू A6 में आ गई और A6 की वैल्यू किस में आ गई, A0 में आ गई। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट को इंटरचेंज करने का। अब आएंगे हम सेकेंड स्टेप पे, सेकेंड स्टेप का हम कोड लिखेंगे। अब हमें किसको इंटरचेंज करना था, A5 की वैल्यू A1 को देनी थी, A1 की वैल्यू A5 को देनी थी। तो हम क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू A5 और उसके बाद क्या कर देंगे, A5 इज इक्वल टू A1। फिर हम लिखेंगे A1 इज इक्वल टू 6। इससे क्या हुआ, A1 और A5 इंटरचेंज हुआ। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप का कोड। फिर आएंगे हम थर्ड स्टेप का।
थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, पहले हमने इंटरचेंज करा था 6 को 0 के साथ, फिर 5 को 1 के साथ, अब करेंगे 4 को 2 के साथ. तो क्या लिखा हमने, C is equal to A4. Next is A4 is equal to A2 और लास्ट में A2 is equal to C. अब कौन सा इंटरचेंज हो गया, A2 और A4 हमारा इंटरचेंज हो गया. दोस्तों ध्यान देना, इससे पहले जब मैंने आपको सिखाया था लॉजिक के क्वेश्चन लिस्ट के, तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आप डायग्राम बनाना. डायग्राम में आप अपने हिसाब से कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हो, लेकिन आप कुछ थोड़े से ज्यादा लेना. जैसे मैंने अभी इसको कोड को लिखने से पहले आपको डायग्राम में कुछ एलिमेंट्स लेके समझाया था, और उसके बाद हर स्टेप को हमें क्या करना है, अलग अलग लिखना है विदाउट लूप, और फिर लास्ट में हमने क्या करना है, हम लूप में इसको कन्वर्ट करेंगे. अब ध्यान देना, ये जो सारा पार्ट है ये बार बार रिपीटिशन हो रहा है, सिर्फ फर्क क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज में चेंज आ रहा है. तो जो ये हमने लिखा हुआ है इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, लूप में कन्वर्ट कर देंगे. तो यहां पे ध्यान देना, हर स्टेप में क्या क्या लिखा हुआ है उसको मैं एज इट इज लिखूंगा, जो चीज चेंज हो रही है उसकी मैं जगह छोड़ दूंगा. अगर आप ध्यान दोगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, ये चेंजेस हो रहा है. तो मैंने अभी क्या लिखा, सिंपल लिखा C इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. इसमें क्या लिखना है अभी हम समझेंगे. फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमने, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज इज इक्वल टू, फिर क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, फिर से ए स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज इज इक्वल टू सी. ये पार्ट हमारा हर जगह सेम हो रहा है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज चेंज हो रही है. तो हम क्या करेंगे, यहां पर कोई वेरिएबल्स लेंगे. अब ध्यान देना क्या क्या चेंज हो रहा है उसको मैं हाईलाइट करूंगा. पहले मैंने ब्लू से हाईलाइट करा, ये लाइन लिख दी और ये साथ में एरोस बना दी. ये चीज हमारा चेंज हो रहा है, मतलब पहले क्या है 6 है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है 5 है, फिर 4 है, और उसके साथ फर्स्ट स्टेप में क्या है कुछ और भी चेंज हो रहा है. इसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया, पहले 0 है, फिर 1 है, 2 है, ये चेंज हो रहा है, इसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया. अब इसके अंदर जो ब्लू से है इसको हम ले लेंगे आई, आपकी मर्जी, इसको जे भी ले सकता हूं मैं, इसके अंदर इसको आई ले लूंगा, और जो रेड से है इसको मैं जे ले लूंगा. ठीक है, अब ध्यान देना जो हमने राइट साइड पे लिखा हुआ है वहां पर हम क्या ले लेंगे, आई. जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट करा उसको मैं आई लूंगा. तो कुछ क्या हो गया, सी इक्वल टू ए आई, और नेक्स्ट पे ए आई, और इक्वल टू के बाद जो है उसको मैंने रेड से हाईलाइट करा हुआ सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में, उसको हम क्या ले लेंगे, जे. तो ये बन गया AJ और नीचे बन गया AJ. अब इसको क्या करना है, हमें लूप के अंदर लिखना है. जैसा हमें पता है कि हमारे टू टाइप्स के लूप होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप, आप किसी से भी कर सकते हो. अभी मैं आपको व्हाइल लूप से समझाऊंगा, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में आप इसका प्रैक्टिकल देखोगे वहां पर मैं फॉर लूप से भी एक्सप्लेन करूंगा. तो यहां पर मैंने लिया, ऊपर लिख दिया व्हाइल और उसके बाद कॉलन लगा दिया. बट ध्यान देना जब मैं फॉर से एक्सप्लेन करूंगा तो सिर्फ सिंटेक्स एक्सप्लेन करूंगा, पूरा लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करूंगा. लॉजिक के लिए आपको इसी वीडियो को रेफर करना है. अब जो लेफ्ट में लिखा हुआ है आई, उसको मैं लूंगा कहां से स्टार्ट हो रहा है, हाईलाइट करा हुआ, दैट इज 6 से. तो लिखा 6 5 4 3, ये मैंने लिख दिया. इसका हम यूज करेंगे जब लूप लगाएंगे. और राइट साइड पे जे लिया हुआ है, तो जे हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से. तो लिखा 0 1 2 3. ध्यान देना इस वाले रफ वर्क को जो मैंने लिखा हुआ है और आई की वैल्यूज लिखी हुई है, इस पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर एक चीज मैंने गलत कर रखी है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. गलत बेसिकली नहीं है, मतलब कि उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप नोट तभी कर सकते हो जब आप ध्यान से देख रहे होगे. अब आएंगे हम वापस कोड जो हम लिख रहे हैं राइट साइड पे. जैसा कि हमें पता है लूप लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करना पड़ता है. तो वाइल से ऊपर मैंने क्या ले लिया, एक ले लिया आई इज इक्वल टू 6, और साथ साथ में जे क्या ले लिया, दैट इज जे इज इक्वल टू 0. दोस्तों अगर आपको वाइल लूप नहीं आता तो ये आई बटन आ रहा है, आई बटन पे क्लिक करोगे तो वाइल लूप का कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा. और ध्यान देना जब मैं इसका प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो वाइल के साथ फॉर में भी समझाऊंगा. अगर आपको फॉर भी नहीं आता तो फॉर का भी ये आई बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करना, फॉर लूप देख सकते हो. अब वापस चलते हैं रफ वर्क पे. रफ वर्क पे अगर आप ध्यान दो, जो हमने आई लिया ये बार बार एक एक स्टेप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है. पहले 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, इसका मतलब एक एक स्टेप कम हो रहा है. तो जो वाइल लूप है इसके अंदर हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आई माइनस 1. लूप के अंदर क्यों करा, क्योंकि ये बार बार कम हो रहा है. तो जो काम बार बार होता है उसे हमें किसमें लिखना पड़ता है,
लूप के अंदर। तो इसलिए जो हमने क्या करा, इंटरचेंज करने के बाद उसके नीचे लिख दिया i इज इक्वल टू i माइनस वन। और अब ध्यान दो जो यहां पर राइट साइड पे लिखा हुआ j, j क्या हो रहा है, पहले जीरो है फिर वन है फिर टू है, इसका मतलब एक एक स्टेप इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर i के नीचे मैंने j इज इक्वल टू j प्लस वन लिख दिया। ये तो हमने क्या क्या लिखा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, चेंजेस करने हैं, इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन हमें वाइल के साथ ये लिखना है कंडीशन कब तक हमें लूप को चलाना है। तो जहां पर मैंने लेफ्ट साइड पे आई और जे लिखा हुआ है, आई हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं एक स्टेप और डिक्रीज कर देता हूं, ये मैंने आई को डिक्रीज करा, आई टू हो जाएगा, और जे को इंक्रीज करा, जे क्या हो जाएगा हमारा फोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब आप ना इसके अंदर रिलेशनशिप निकालो, किस किस के अंदर, आई और जे के अंदर। अगर आप ध्यान दोगे, आई हमारा सिक्स है, जे हमारा जीरो है। नेक्स्ट स्टेप में आई हमारा फाइव है, जे हमारा वन है। इसका मतलब आई जो है हमारा हमेशा ही बड़ा है जे से। लेकिन सबसे लास्ट स्टेप पे जब हमें रुकना है, वहां पर इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज मतलब रिवर्स हो गया। कब रुकना है, जैसे ही आई हमारा छोटा हो जाएगा वहां पर हमें रुकना है। तो क्या कंडीशन लिख देंगे, कब तक लूप चलना है हमें वो लिखना होता है। दोस्तों कंडीशन लगाने से पहले हम देखते हैं कब रुके, आई हमारा टू हो गया, जे हमारा फोर हो गया। इसका मतलब जैसे ही आई छोटा हो गया जे से हम रुक जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लूप चलेगा जब तक आई बड़ा या इक्वल है जे के। तो हम क्या लिखेंगे वाइल के साथ, दैट इज कंडीशन लिख देंगे। तो हम वाइल के साथ कंडीशन क्या लिखेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, तब तक लूप हमारा चलेगा। तो ये राइट साइड पे हमारा लॉजिक है, किस चीज का लॉजिक है, लिस्ट को रिवर्स करने का। अब हम देखेंगे फाइनल आंसर। ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब डिस्कस होने वाला है, तो उसको ध्यान से समझना। फाइनल पूरा कोड लिखने से पहले एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने की है, जब मैंने आपको ये समझाया था डायग्राम से, तो वहां पर मैंने सेवन एलिमेंट्स लिए थे। कितने एलिमेंट्स लिए थे, सेवन। इसका मतलब लिस्ट की लेंथ कितनी है, सेवन। अगर 20 होगा तो क्या ये वर्क करेगा, तो वर्क नहीं करेगा। तो अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ किसको, और जो हमने ये कोड लिखा हुआ है। ध्यान देना, इस वाले कोड के हिसाब से हमारी n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 7। तो इसका मतलब n माइनस वन कितना हो गया, 6 हो गया। n इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ध्यान दो, जब वाइल लूप लिखा है, वाइल से ऊपर आई और जे लिखा हुआ है, आई इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, जे क्या लिखा हुआ है, जीरो। तो ऑब्वियसली वो तो जीरो से स्टार्ट होगा, फर्स्ट को इंटरचेंज करना लास्ट के साथ। लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट अगर 10 एलिमेंट्स होंगे तो किससे इंटरचेंज करना पड़ेगा, पहले 9 से। 20 होंगे तो किससे करना पड़ेगा, 19 से। कहने का मतलब ये, आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे कम। तो यहां पर मैंने कितने एन कितने लिए थे, 7 लिए थे, और ऊपर लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू 6। तो यहां पर हमें आई इज इक्वल टू 6 को हम हटा देंगे, इसकी जगह क्या लेना पड़ेगा हमें, I is equal to n minus 1। इसका मतलब I कहां पर होगा, सबसे लास्ट जगह पर। ये हमारा कोड है। अब आएंगे हम फाइनल कोड जो हमें कंप्यूटर पे लिखना है, जिससे कि जो हमारा आंसर हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। ये नोट कर लो, फाइनल कोड है हमारा, फाइनल कोड। अब हम देखेंगे फाइनल कोड क्या है। दोस्तों फाइनल कोड लिखने से पहले एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, बहुत बड़ी नहीं है और नई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। काफी स्टूडेंट्स हमें कॉल करके पूछते हैं, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मोटिवेट कैसे करा, अपने आप को मैं मोटिवेट कैसे करूं। तो दोस्तों हमने एक चीज इंप्लीमेंट करी है, हम अपनी हर वीडियो में, ज्यादा बड़ी नहीं, 2 मिनट की या 1 मिनट की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो को हम दिखाएंगे बीच में, जिससे कि आपको पूरा जोश आ जाए और लगे कि हाँ पढ़ना ही है। तो बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत ही छोटी वीडियो मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा। और ये वीडियो आप हमारे चैनल्स पे भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको मोटिवेशन की वीडियो देखनी है तो पूरा कंसेप्ट पहले पढ़ना होगा। इन वीडियोस को हम सेपरेटली अपने चैनल पे भी अपलोड करेंगे। कुछ वीडियोस ऐसी होगी जो मेरी बेटी बनाती है, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो है, तो आप इस मोटिवेशनल वीडियो को जरूर देखना, और जो भी आपकी एडवाइस होगी, फीडबैक होगा वीडियोस को इंप्रूव करने के लिए, दैट इज मोस्ट वेलकम। तो देखते हैं मोटिवेशनल वीडियो। इतिहास गवाह है, वही लोग जो तब
कमल कीचड़ में खिलता है। अगर कभी कोई काम मुश्किल लगे या फिर कोई मुसीबत आए तो मुस्कुराना है, ऊपर देखना है और बोलना है थैंक यू गॉड, यू आर द ग्रेट, यू आर द बेस्ट। आपने मुझे एक और मौका दिया आगे बढ़ने का, ये मत भूलो, गिर गिर के ही चलना आता है, चलने के बाद ही दौड़ना आता है। मेहनत मेहनत आपको मजा आया होगा ये मोटिवेशनल वीडियो को देखकर। और मैं आप लोगों को आज एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि बहुत जल्द आप इंडिया के अंदर सबसे कम उम्र की मोटिवेशनल स्पीकर देखने वाले हो। दिस इज माय कमिटमेंट, और हम एक मिशन के साथ चल रहे हैं कि लोगों को मोटिवेट करना है, जिसमें मेरी बेटी सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाली है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल का लिंक जो है मेरी बेटी का डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको एक बार क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लग रही है। उसमें और वीडियोस भी आएगी, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस भी आएगी, लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस भी कॉन्टिन्यूसली हम उसको अपलोड करते जाएंगे। और मिशन में आप हमारा साथ जरूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लग रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपको नहीं पता आपका एक शेयर करने से हो सकता है आपके अपनों की लाइफ को बदल दे। तो अब आएंगे हम फाइनल कोड में। फाइनल कोड में ये मैंने कोड एज इट इज लिख दिया जो आपको समझाया था। अब इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो रिवर्स करने का है। रिवर्स करने से पहले हमें लिस्ट चाहिए होगी, तो सबसे ऊपर हम क्या करेंगे, लिस्ट को एंटर कराने की स्टेटमेंट लिख दी। और बाद में आप ये भी तो चेक करना चाहोगे ना, जो गैप्स क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है सही पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आप चेक करना चाहोगे जो कोड आपने लिखा वो सही से आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, सबसे एंड में हम क्या कर देंगे, लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, चेक कर लेंगे कि रिवर्स हुई है या फिर नहीं हुई। तो जैसे ही लूप खत्म होगा हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट लिस्ट आफ्टर रिवर्स ए, इसको हम प्रिंट कर देंगे और चेक कर लेंगे जो पढ़ाया जा रहा है सही पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा। दोस्तों कंप्यूटर का बेस्ट पार्ट यह है कि यू कैन चेक कि टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, सिंपल कंप्यूटर में टाइप करो और चेक कर लो। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप गैप्स क्लासेस की बुक परचेज कर सकते हो। अगर आपको बुक चाहिए तो हमारा जो नंबर आ रहा है फ्लैश कर रहा है, आप उस पर कॉल हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे लास्ट में जब वीडियो खत्म हो रही होगी तो आप थंबनेल का वेट करना, अगर थंबनेल आएगा तो आप उस वीडियो को नेक्स्ट को जरूर देखना, और अगर नहीं आएगा तो रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम लिंक भेज ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वेट करना थंबनेल का कि नेक्स्ट वीडियो अगर अपलोड हो चुकी होगी तो आपको जरूर मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।